दिव्या हाँ बेबी एक मिनट आई कुछ काम कर रही हूँ थोड़ा जल्दी करना यार हाँ हाँ ये दरअसल मुझे एक दोस्त मिल गया था उसकी नई नई शादी हुई है ना अच्छा। तो उसी ने दिया वैसे तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर कैसे लगी तुम्हें अरे वो मैं कुछ काम कर रही थी आओ अंदर आ जाओ हाँ आओ यहाँ बैठो 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 तुम्हें कुछ चाहिए हाँ वो थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ दिव्या हाँ आई पानी लेके तुम ये लो पानी दिव्या कोई है क्या हमारे घर में नहीं तो अच्छा हाँ और कुछ चाहिए क्या तुम्हें नहीं नहीं बस दिव्या हाँ ये कैसी आवाजें हैं ये आवाज बिल्ली थी एक मिनट देखती हूँ मैं बिल्ली को भगा के आती हूँ हाँ ठीक है सुनो मेरी बात उसको ना शक हो रहा है कि काम करो सुनो तुम ना यहाँ पे नॉक करो और फिर मैं कहूंगी कि कोई आया शायद फिर मैं तुम्हें देखने आऊंगी ठीक है ठीक है ठीक है दिव्या कौन है अरे तुम्हारा फ्रेंड जागृत आया है अच्छा ले आओ उसे अंदर और भाई क्या हाल चाल मैं ठीक हूँ तुम बताओ जागृत कैसे हो बस भाई बढ़िया और बता तेरे ऑपरेशन का क्या चल रहा है अब तू तो जानता ही है यार बात चल रही है डॉक्टर से उम्मीद है जल्दी मेरी रोशनी वापस आ जाए आंखों की चल यार बढ़िया है मैं भगवान से दुआ करूंगा तेरी आंख जल्दी ठीक हो जाए शुक्रिया भाई आप लोग बातें करो ना मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आती हूँ हाँ हाँ ये अच्छा रहेगा और बता जागृत तेरी फैमिली कैसी है बीवी बच्चे सब ठीक है ना बस भाई सब बढ़िया है घर में सब ठीक है मेरे सब खुशी है जब ठीक है तो दूसरों के बिगाड़ने पे क्यों तुला हुआ है मतलब मैं कुछ समझा नहीं जो तू हरकतें कर रहा ना मेरी बीवी के साथ तो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया तू देख सकता है हाँ मैं देख सकता हूँ आज सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं दिव्या को सरप्राइज देने के लिए आया था यहाँ के तो पता लगा कि वो मेरे ही दोस्त के साथ ये सब हरकतें कर रही है देख भाई ऐसा कुछ बस चुप कर जा तेरी हकीकत तो मेरे सामने आ ही गई है अब मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कितनी गिरी हुई लड़की है अरे बहुत बातचीत होगी शायद है नहीं चल ये लो आपके लिए कॉफी और आपके लिए भी कॉफी वैसे लगता है बहुत बातें कर ली आप लोगों ने हाँ वो जागृत बता रहा था कि वो अपनी बीवी बच्चों से कितना प्यार करता है हाँ सही कह रहे हो ये प्यार तो बहुत करता है अपनी बीवी से हाँ वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ मतलब मेरा मतलब है मैं जानता ही हूँ भाई मैं कह रहा था मैं वॉशरूम होके आता हूँ हाँ हाँ जाओ ना हुआ अच्छा मैं ना गैस पे दूध रख के आई थी तो मैं आती हूँ आप यहीं बैठो आराम से अच्छा हाँ हाँ तुम भी जाओ इन दोनों को ना मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा बहुत ड्रामा करती थी ना इससे प्यार का नाटक करने का आज इसकी सच्चाई मेरे सामने आई गई क्या हो गया हाँ क्या कर रहे थे जब से मैं हाथ लगा रही हूँ अब से तुम हटाया जा रहा और उससे पहले खुद ही टच करे जा रहे थे यार देखो प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहो क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है अब तुम उसको देख के डर गए हो क्या डरने वाली बात नहीं लेकिन तब मेरी बात समझो प्लीज मुझे तो यही लगता है बड़ा प्यार आ रहा है इस पे
तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर अब अचानक क्या हो गया? तुम देख सकते हो? हाँ मैं देख सकता हूँ, आज सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें आके सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो जाऊंगा। मेरी बीवी मेरे ही दोस्त के साथ ये सब हरकतें कर रही है। देखो मुझे मुझसे ना गलती हो गई है, मानती हूँ, पर प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं प्यार तुमसे ही करती हूँ, वो तो बस जागृत ऐसे ही था। दिव्या झूठ बोलने में कितना माहिर हो चुकी हो ना तुम, मैंने इतनी बड़ी गलती करी है फिर भी तुम कितनी सफाई से झूठ बोल रही हो। माफ कर दो प्लीज। देखो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर मैं आज की वजह से कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ मैंने तुम्हारे अंधे होने का फायदा उठाया, मैं कर भी क्या सकती थी, मैं मजबूर थी, पर प्लीज अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम देख सकते हो तो अब हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे इस घर में, प्रॉमिस। खुश रहेंगे? इतनी बेशरम हो गई हो ना, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। एक तो तुम मुझे धोखा दे रही थी, ऊपर से तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और हम खुश रहेंगे। कभी नहीं दिव्या, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने अंधे पति को इतना बड़ा धोखा दे रही थी। मुझे लगा कि मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी की आंखों से दुनिया देख सकता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी, वो भी मेरे दोस्त के साथ। तुमने गलती किया ना, वो बहुत बड़ी गलती है और उसकी कोई माफी नहीं है। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे पता लगेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी, और मेरे परिवार वाले जब उन्हें पता लगेगा तो उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समाज जब ये जानेगा कि एक अंधे पति की बीवी उसी के दोस्त के साथ लगी हुई थी तो क्या बीतेगी हम पर। तुम्हें तो अपनी सिर्फ हवस मिटानी थी ना, जो तुम इसके साथ मिटाई रही थी। ठीक है फिर तुम इसी के साथ रहना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अब तुम्हें इस घर में एक पल और नहीं दे सकता, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं, जो बोल दिया ना मैंने तो ध्यान से सुनो और चली जाओ यहाँ से। हाँ तुम्हारे पहुंच जाएंगे। और तू तो दोस्ती के नाम पे धब्बा है, मुझे लगता था कि मेरा दोस्त है जिससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तू तो मेरी बीवी शेयर करने पे तुलाया। मुझे शर्म आती है तू जैसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, तेरी मेरी दोस्ती आज से यहीं खत्म, निकल जाए ऐसे तू भी। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस कोई माफी नहीं, निकल जा।